नमस्कार, आप देख रहे लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। कोटा में बिहारी छात्र फंसे हैं, राजनीति हो रही है, कोई कह रहा है लाना चाहिए तो सरकार कह रही है किसी को आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस बीच बिहार के नवादा जिले के एसडीओ ने एक लेटर जारी किया। दरअसल वो एक आदेश था कि बीजेपी के एमएलए के बेटे को कोटा से वापस लाने के लिए। अब देखिए कि ये आदेश आखिर जारी कैसे कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए थे और बिहार सरकार की तरफ से भी फिर उस निर्देश का अनुपालन करते हुए एक लेटर जारी किया गया था, वो लेटर हम आपके स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। ये लेटर जो है दीपक कुमार मुख्य सचिव बिहार के हैं, उनके तरफ से जारी किया गया था और उसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा, कहीं से किसी को लाने ना ही किसी को कहीं पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। ये लेटर 13/4/2020, ऊपर आप तारीख भी देख सकते हैं, यानी कि जो 15 तारीख को लेटर जारी किया गया नवादा एसडीओ की तरफ से, उससे पहले का ये आदेश है। तो फिर सवाल उठता है कि नीतीश सरकार की तरफ से जब ये साफ कर दिया गया था, मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ये साफ कर दिया था अपने आदेश में कि कोई किसी को इधर से उधर माइग्रेट करने के लिए आदेश नहीं जारी होगा, तो फिर ये कैसे हुआ? अब तेजस्वी यादव हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ दोनों लेटर को भी साथ में लगाया है उन्होंने। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर अपने लिखा है कि बिहार सरकार का पक्षपातपूर्ण दोहरा रवैया देखिए, एक तरफ 13 अप्रैल को केंद्र को पत्र लिखती है और दूसरी तरफ पास जारी करती है। यानी कि जो पत्र ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर मुख्य सचिव दीपक कुमार का, ये बिहार की तरफ से केंद्र सरकार को लिखा गया वो पत्र है जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी के माइग्रेशन को इजाज़त नहीं दी जाएगी, कोई कहीं से आएगा जाएगा नहीं। फिर 15 तारीख को नवादा एसडीओ की तरफ से बीजेपी एमएलए के बेटे को लाने के लिए जो आदेश जारी किया गया वो कैसे जारी कर दिया। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि विधायक का कहना है कि सरकार ने अब तक खास लोगों के लिए अकेले नवादा जिले से ही 700 विशेष पास जारी किए हैं, सरकार ऐसे सभी लोगों की जानकारी सार्वजनिक करे। तो तेजस्वी यादव ने यह भी बताया है कि जिस विधायक का जिक्र हम कर रहे हैं उसने किसी मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें साफ की हैं कि कुल 700 विशेष पास जारी किए गए हैं, मैं ही इसमें अकेला नहीं हूँ। तो ये जो पत्र केंद्र सरकार को भेजा गया बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये मुख्य सचिव दीपक कुमार का लेटर हेड है, उसमें ये बातें साफ की गई है कि कोई किसी तरफ आएगा जाएगा नहीं। तो फिर आखिर ये आदेश नवादा एसडीओ की तरफ से जो जारी होता है, इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ये जो लेटर आप देख रहे हैं जो 13 तारीख को भेजा गया केंद्र सरकार को, उसमें कोट करके लिखा गया है दीपक कुमार जो कि मुख्य सचिव, उनके तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि वहाँ के डीएम को कि किसी भी तरह का गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और एमएचए के आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की देश में मूवमेंट को होने से रोकना है, ये आदेश में लिखा गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इसमें लिखा जा रहा है कोटा के डीएम को कोट करते हुए कि आप किसी के भी मूवमेंट को रोकिए और वायलेंट मत करिए, इसके जो कानून है उसका उल्लंघन मत करिए, तो फिर आखिर नवादा से जो 700 पासेस जारी करने की बात सामने आ रही है वो किस आधार पर की गई है? लाइव सिटीज़ भी सरकार से अपील करता है कि जो कोटा में बिहारी बच्चे फंसे हैं उनको अच्छा खाना मुहैया कराया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन उनको वहाँ पर जो फंसे हैं अच्छे रहन सहन और अच्छे खाना का व्यवस्था सरकार की तरफ से वहाँ पर की जानी चाहिए। आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।